और इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा से रोटेट कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन हो गया. अब बोल रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ स्मॉल एम आर जेंटली अटैच्ड टू द अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग. दो मासेस को जेंटली अटैच किया गया. तो व्हाट विल हैपन, सेम रिंग हियर, ठीक है, दिस इज एक्सिस. ओके, वो बोल रहा है कि दो मासेस को अटैच किया गया जेंटली, तो एक मास इधर ले लेते हैं स्मॉल एम और दूसरा मास इधर ले लेते हैं दैट इज स्मॉल एम, और ये रेडियस कितना है दैट इज स्मॉल आर. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि नाउ द रिंग विल नाउ रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको ओमेगा टू फाइंड आउट करना, दिस ओमेगा यू टू फाइंड आउट. तो मैंने शायद ये प्रॉब्लम कराया था ना, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो देन टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइनल. तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. ट्राई करेंगे आप लोग क्या? ये रिंग तो अलग है, ठीक है, तो अब जो है क्या होगा, ये इसको इनिशियल लेंगे और इसको लेंगे फाइनल, तो क्या करेंगे हम लोग? यस बताइए क्या वैल्यूज रखूं मैं? नहीं, इसको कैपिटल एम करना पड़ेगा. वो ऑब्जेक्ट्स को कौन सा शेप में अज्यूम करें? पॉइंट पॉइंट जो ऑब्जेक्ट अटैच किए गए ना उनको पॉइंट साइज लेंगे. तो पहले का तो मैं लिख दे रहा हूँ, पहले का क्या होगा, रिंग है ना, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. दूसरा क्या होगा, दूसरे में दोनों को ऐड करना पड़ेगा. डिस्क, डिस्क का कितना होगा, एम आर स्क्वायर प्लस ये दोनों छोटे छोटे मासेस का भी आ जाएगा, इनके रेडियस भी आर है, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर. तो ये तो तुम्हारा रिंग का हो गया, ये रिंग का हो गया ये, और ये दोनों जो मासेस अटैच किए गए थे ना उसका हो गया, तो ओमेगा टू क्या आ जाएगा, रिंग का और दोनों मासेस का भी अटैच कर दिया गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड. सर वो दो मासेस को क्या शेप ले रहे हैं सर आप? पॉइंट पॉइंट मतलब वो जो रिंग है ना, तो रिंग के बिल्कुल एंड पे अटैच हुआ है, तो हम उसको पॉइंट मास ले रहे हैं, क्योंकि आज कुछ तो दिया ही नहीं, पॉइंट मास ले लेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि रिंग का डायमीटर, रिंग बोलते हैं तो वैसी थिकनेस बहुत कम होती है, और वो बिल्कुल रिंग के उस पर आके अटैच हुआ है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा एक्सेस से वो भी तो रेडियस हो जाएगा, आर हो जाएगा. ठीक है, तो उसको पॉइंट मास ले रहे हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन ये था, दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन ये. तो नॉर्मल फॉर्मूला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था वो अप्लाई कर दी, ये दोनों मासेस के लिए हो गए, ये पॉइंट मास ले लिया और दूसरा ये पॉइंट मास टू जो अटैच हुए थे, तो हो गया ना, ओमेगा टू आ जाएगा फिर. नहीं, आर स्क्वायर नहीं है ना, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, स्मॉल आर स्क्वायर है, जस्ट वेट वेट वेट, रेडियस तो स्मॉल आर है, जस्ट लेट मी मेक इट प्रॉपर. आई थिंक आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, एम ओमेगा अपॉन
एम प्लस टू एम आ जाएगा ना दिस वन, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। सर आप रिपीट कर सकते हैं आपने वो रेडियस इक्वल क्यों लिया? क्योंकि वो तो रिंग पे अटैच है ना, तो जो रिंग का रेडियस होगा वही जो उनका भी रेडियस हो जाएगा एक्सेस से फ्रॉम। ओके रेडियस तो सेम रहेगा। जो लोग कर चुके हैं वो 25 देखो जरा, 25 क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया हमने अभी तक। 25 इसकी ये कंप्लीट कर लिया ना इसको, तो 25 करिए आप लोग। हाँ तो डू क्वेश्चन नंबर 25। आई थिंक इसका तो ऑप्शन आ जाएगा एम ओमेगा अपॉन एम प्लस, आई थिंक ऑप्शन बी आएगा। ठीक है दस हाँ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। A rigid spherical body is spinning around the axis. Due to change in temperature, its volume increases by 1%. The angular speed का क्या होगा? Volume increases by 1%. एक काम करते हैं, इसका भी वैसे ही करते हैं। External torque is zero. टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? आई इंटू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना? सो ये तो हमारा एक फॉर्मूला नॉर्मल बन गया। अच्छा वॉल्यूम 1% बढ़ रहा है, क्या करेंगे हम लोग? वॉल्यूम 1% बढ़ रहा है, वैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr² 2/5 mr² मास में तो चेंजेस हो नहीं रहे, मास में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। टेम्परेचर बढ़ने से क्या मास चेंज होता है क्या? नहीं ना, टेम्परेचर चेंज होने से मास चेंज नहीं होता है, सिर्फ रेडियस चेंज होता है। ठीक है वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1%, वैसे वॉल्यूम क्या होगा? एक मिनट रुको, मास चेंज होगा नहीं, एक मिनट रुको। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 πr³। तो डेल्टा वी अपॉन वी, एरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1% बहुत ही कम है बेटा। 4/3 π तो कॉन्स्टेंट है, 3 विल कम हियर। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो ये कितना है? 1% ना, 1% इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो दिस विल कम डाउन, तो 1/3% हो गया ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। पहले बताओ ये रेडियस का जो चेंज हो रहा है परसेंटेज में कैसे निकाला, समझ में आया? Yes. हाँ अब जो है ना वो बोल रहा है कि तुमको ओमेगा चाहिए, लेकिन ओमेगा के लिए फिर आई चाहिए, तो अब आई को रिलेट करेंगे। तो ये हमने निकाला कि रेडियस में कितना चेंज हो रहा है इन परसेंटेज। एक सेकंड बेटा, रेडियस में कितना चेंज? अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 2/5 mr². अच्छा हीट करने से आपको मालूम है, नॉर्मली आप सोचेंगे कि हीट करने से मास तो चेंज होता नहीं किसी बॉडी का, एक्सपेंड जरूर होता है, साइज जरूर चेंज होता है, लेकिन मास चेंज थोड़ी ना होता हीट करने से। ठीक है ओके, तो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 आर स्क्वायर है ना, तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो ये 1/3% है, 1/3%, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3%, मतलब हाँ 2/3%, 2/3% आ गया। तो ये वापस इधर आओ, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, तो आई कितना चेंज हो रहा है?
2/3% ना, 2/3% तो 3 ऊपर चला जाएगा ना, तो 3/2% इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये तो 1.5% आ रहा है, एक मिनट रुको। नहीं 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 एक मिनट, एक गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड रुको रुको रुको। ये 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, 0.6 ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, वेट लेट मी एक्सप्लेन इट प्रॉपर, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.66%। अब ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, आई अगर चेंज हो रहा है 0. हाँ तो ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट, यहाँ तो एरर फॉर्मूला बहुत लगाना पड़ेगा, रुक जाएगा। हाँ यहाँ तक समझ में आ गया बॉयज एंड गर्ल्स, अब इसको क्या करेंगे, डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इंटू 100 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में है तो वही चल वही चलेगा, डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। तो आई कितना चेंज हो रहा है, 0.66%। ठीक है तो आंसर 0.66% होगा, लेकिन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आई इज इंक्रीजिंग ना, आई इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वैसे डिनोमिनेटर में हो तो माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस का मतलब इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है तो डिक्रीज होता है बेसिकली। ओके सो इसमें 2-3 बार एरर फॉर्मूला लगाना पड़ा हमको, ठीक है यहाँ पे भी लगाया इधर भी लगाया, पहले वॉल्यूम निकाला, फिर वॉल्यूम से आई निकाला, फिर आई से ओमेगा निकाला। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, आई चेंज हो रहा है इसलिए कि रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है करेक्ट, और रेडियस बहुत माइन्यूट चेंज हो रहा है, मतलब हार्डली 1%, मतलब वॉल्यूम 1%, देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है इसलिए रेडियस चेंज हो रहा है, और रेडियस चेंज हो रहा है इसलिए आई चेंज हो रहा है, इसलिए आई चेंज हो रहा है तो ओमेगा चेंज हो जा रहा है। इज इट क्लियर, सो इट इज इनवर्स, अच्छा वैसे नहीं भी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इफ आई विल इंक्रीज तो ओमेगा विल डिक्रीज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या था, मैनिपुलेशन बहुत था, ठीक है, बट आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस क्वेश्चन। तो देखो जब भी मैं 2/5 का क्या हुआ फिर, 2/5 कहाँ है बेटा, 2/5 वो 2/5 तो कांस्टेंट है ना बेटा, कांस्टेंट पार्ट का थोड़ी ना एरर आएगा, जैसे यहाँ पे ये दिस पार्ट इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट तो कुछ नहीं होता, सिमिलरली मास भी कांस्टेंट है, दिस पार्ट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में कोई चेंजेस नहीं होते, कांस्टेंट में एरर थोड़ी ना आएगा बेटा, 2 और 5 में एरर क्यों आएगा, वो देखो नंबर है, नंबर में एरर थोड़ी ना होता है। अगर तुम सपोज कर लो कि फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तुम रेडियस जो रखोगे उसमें एरर आएगा ना, जो वैल्यू कैलकुलेट करके रखोगे उसमें एरर आता है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसमें एरर नहीं आता है, उसमें क्यों एरर आएगा, इज इट क्लियर, नाउ यू गॉट दिस वन, हाँ बच्चा तो वहां पर 2 क्यों से रखा, कहां पे बेटा, अब वो आर स्क्वायर का 2 है, वो तो आर स्क्वायर का 2 है, ये वाला 2 है बेटा, दिस 2, तो दिस 2 विल कम, एरर फार्मूला याद है, मैंने एरर फार्मूला आपको बताया था, एरर फार्मूला क्या था, एरर फार्मूला मैंने आपको बताया था, एरर फार्मूला इसका 2 है और इसका 3 है, वो ही आ रहा है, तो एरर फार्मूला क्या था, दैट इज इक्वल टू Z is equal to A raised to power N. The formula kya tha? Delta Z upon Z into 100. N will multiply. Jo power hota hai, multiply ho jata hai. Delta A upon A into 100. Power multiply ho jata hai.
उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर है ना, तो इसलिए स्क्वायर का जो है टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें आर क्यूब है वॉल्यूम में, तो थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. गॉट इट? तो कंप्लीट कर लिया, तो मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन करने की कोशिश देखता हूँ, और क्वेश्चन इज थोड़ा डिफरेंट सा हो. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, अगर हो सकता है तो कल ग्रेविटेशन स्टार्ट करूं. आप लोग डाउट वगैरह पूछना हो तो पूछो, वरना फिर मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट करता हूं. ठीक है, या आपको और दिन चाहिए तो आप एक दो दिन और रख लो, फिर टुमारो आई विल स्टार्ट ग्रेविटेशन. देख लेता हूं आज क्या हो सकता है. अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन सर. और वो इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर खत्म हो गया? वो तो एक्चुअली कंबाइंड जब रहता है तब कराते हैं सर. तो उसपे क्वेश्चंस इसपे, अच्छा उसपे क्वेश्चंस, हाँ करा देंगे तुम लोग क्वेश्चन उसपे. एक्चुअली वो तो मैं थोड़ा सा करा रहा था क्योंकि कंबाइंड था, तो मैंने आपको बुक का ही ले लिया था चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैंने ले लिया था उसको. नाइन्थ वाला पहले हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, चलो ठीक है. पासिंग थ्रू इक्वेशन फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट एंड ये भी कर चुके हैं. सेवन ये दिस में आल्सो वी डिड. आप लोग को कुछ पूछना है क्वेश्चन, देखो जरा उसमें से. एक काम करते हूँ मैं, फिर कुछ नया स्टार्ट करूँ क्या सर? 42nd क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कहाँ से 42nd? कौन सा ये लेवल 2 42nd क्वेश्चन? तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यही है 42nd, यही है. ओके सर, कैन यू डिस्कस दैट क्वेश्चन? डिस्कस एक काम करो, जैसे स्ट्रिंग का एक्चुअली जनरल फॉर्मूला होता है दिस वन. अगर कोई सिंपल पेंडुलम होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर मास m है, l और g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये ऑसिलेट कर रहा है लाइक दिस वे, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू पाई रूट l अपॉन g, ऐसे होता है दिस. अच्छा ये हम लोग मासलेस ले लेते हैं, ये मासलेस ले लेते हैं. इन्होंने क्या किया है ना, इसको मास को कंसिडर किया है, मतलब उन्होंने क्या किया है, स्ट्रिंग की जगह उन्होंने क्या किया, रॉड ले लिया. स्ट्रिंग की जगह दे हैव टेकन अ रॉड. ठीक है, सो उन्होंने ऐसा किया है. लुक हियर, रॉड ले लिया है, यूनिफॉर्म रॉड, और यहाँ पे एक बॉब लगा दिया. ठीक है, इसका मास लिया है स्मॉल m. ठीक है, बॉब ऑफ पेंडुलम इज स्मॉल. अच्छा ये जो रॉड है इसका लेंथ जो l लिया है, और इसका मास जो है कैपिटल m लिया, और इसका टाइम पीरियड चाहिए बेसिकली इनको. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये ऑसिलेशन पे बेस्ड है,
ठीक है, ऑसिलेशन हमने भी नहीं किया, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ऑसिलेशन. सो इसको कैसे समझाए, इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअली ऑसिलेशन. सो नहीं, ये भी समझाना मुश्किल है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये ऑसिलेशन पे बेस्ड है बेसिकली. लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर आया क्यों, ये क्वेश्चन यहां पे आया क्यों, मैं देखता हूं इसको कोई दूसरी तरीके समझा सकता हूं क्या. फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही होगा ना, ऑसिलेशन से रिलेटेड. कौन सा क्वेश्चन बोल रही, 40? हेलो, 40 एंड 41. हाँ, ये भी नहीं किया हुआ है. अच्छा, लेकिन यहाँ क्यों डाल दिया इन्होंने सब. एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला दे क्या, ठीक है, एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला में डायरेक्ट देता हूँ, ठीक है. ये हम लोग ऑसिलेशन है बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है. एक्चुअली देखो, हम लोग उसको ऑसिलेशन पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है. थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ, परेशान मत होना इसको नहीं आएगा तो, ठीक है. एक होता है फिजिकल पेंडुलम, एक टॉपिक होता है उसमें फिजिकल पेंडुलम. ये क्या होता है, सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप, उसको आपने उसको हैंग कर दिया, ये उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन. तो क्या होगा, जैसे फोटो फ्रेम होता है ना दीवार पे, जैसे वॉल पे फोटो फ्रेम लगाते हैं ना, वॉल पे फोटो फ्रेम लगाते हैं, तो फोटो फ्रेम को अगर, हाँ यस, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? आवाज आ रही है, बट वो बैकग्राउंड में से कोई तो आवाज आ रही है. अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं ऑफिस बैठा हूँ ना, तो मैडम वगैरह काउंसलिंग करती रहती है ना, फोन वगैरह करती रहती है. चलो अच्छा, आई एम ट्राइंग, ठीक है, लेकिन आवाज बजा कैसे रही है. अच्छा हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ओके, सो हो क्या रहा है कि देखा होगा आपने, फोटो फ्रेम अगर लगाते हैं वॉल पे और प्रॉपर नेल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं होता है, तो आप जरा से पुश करोगे तो ऑसिलेट करने लगेगा, स्टार्टेड ऑसिलेटिंग. लेट्स से ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहां पे उसका वेट है टोरा एम जी. ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है एक्सेस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस है वो डी, तो इसका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू पाई आई अपॉन एम जी डी. आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास. एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास. तो बस इसमें दो चीजें तुमको चाहिए क्या. मेरी आवाज प्रॉपर आ रही ना आप लोग को? यस सर. हाँ, तो तुम्हें दो चीजें चाहिए, आई और डी. तो आई क्या है, मैंने आई को क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डी को मैंने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास. इस तरह को हम लोग बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम, ठीक है. अब विदाउट गोइंग इन डिटेल, एक्चुअली ये हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, वही तो मुझे लगा दो तीन क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गए. एक क्वेश्चन में अच्छा इजी वाला समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. तो फॉर्मूला कॉपी कर लीजिएगा. वेट, एक डिस्क दे रखा, इज मेड टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू विच इट इज पेरिफेरी, ठीक है, इट्स टाइम पीरियड विल बी. अच्छा डिस्क दिया हुआ है बेटा, डिस्क दिया हुआ है, अच्छा हाँ ठीक है. तो एक छोटा सा क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला कॉपी कर. हाँ, मैं इधर ही वापस इधर ही आ गया. अच्छा,
सो एक मिनट बेटा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी, ये डिस्क है, लेट्स सी किधर गया, लेट्स सी डिस्क है, हैंग कर रहा है, लेट्स सी डिस्क, चले क्या है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ये सब, आई डोंट नो। चलो डिस्कशन में आ रहा है, ये डिस्क है, यहाँ पे तुमने एक्सेस ऑफ रोटेशन रख दिया इसके, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? मेरी आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? अब ये डिस्क ऑसिलेट कर रही है इस तरह से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब एम इसका मास है डिस्क का, तो एम जी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम आई चाहिए, ठीक है, नाउ लुक हियर, तो तुम्हारा डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ये डिस्टेंस, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू रेडियस। और एक बात बताओ, अगर डिस्क के मैंने फॉर्मूला दिया था कि अगर कोई डिस्क होता है इस तरह से, ये डिस्क है, तो फॉर्मूला बताओ, जब जो एक्सेस जो है एंड पे था, एक्सेस एंड पे था तो फॉर्मूला क्या था? एक्सेस एंड पे था तो फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला था? देखो चेक करो फॉर्मूले के लिस्ट में, अगर ये डिस्क है और एक्सेस एंड पे है तो फॉर्मूला क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूले की लिस्ट से चेक करके बताओ बेटा। यस, क्या हुआ, नहीं आ रही आवाज मेरी, ये फॉर्मूला नहीं मिल रहा। आई का फॉर्मूला क्या था जो एंड पे था? 3/2 mr2। गुड, अब ये दोनों वैल्यू रख दो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? 2πi/mgd, तो t इज इक्वल टू 2πi, की जगह क्या रख देंगे? 3/2 mr2/mg, और d की जगह क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास, दैट इज r, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t इज इक्वल 2πi, mm कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, 3/2 r/g हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों क्वेश्चन दे दिए इस टाइप के। आप एक काम करो, ऑसिलेशन के क्वेश्चन मत करना, जब हम ऑसिलेशन पढ़ाएंगे तब पढ़िएगा। बस समझ में आया ना कैसे काम कर रहा है फॉर्मूला? तो देखो इसका आंसर जो उन्होंने दिया था क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर इन्होंने दिया था, लेट मी चेक इट, देखो इसका आंसर क्या आएगा फिर, 3/2 r/g ना, तो ये आंसर आएगा, ए ऑप्शन ए आएगा। तो एक काम करो फिर, ये ऑसिलेशन वाले चैप्टर टाइम पीरियड वाले भी मत करो, मैंने एक एक करके दिखाया, 40 करके दिखाया। हाँ, मैं आगे दोबारा समझाता हूँ, जैसे मैंने लिया कि कोई डिस्क है, और डिस्क के पेरिफेरी मतलब होता है एंड, पेरिफेरी मतलब एंड, एंड पे हमने एक्सेस लगाया मतलब नेल लगाया, और ये ऑसिलेट करने लगा डिस्क के सिरे से, ठीक है। और डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमको मालूम है, सेंटर पे ही होता है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया था, दिस इज अ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में तो यू नीड ओनली टू थिंग्स, व्हाट, एक तो आई चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा चाहिए डी डिस्टेंस बिटवीन एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास।
ठीक है ना. सो एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में डिस्टेंस कितना होगा, डी डी कितना हो जाएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क. ये डिस्क का रेडियस हो जाएगा ना. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपने बताया, हमने फॉर्मूला किया हुआ है पहले से. थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर, थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर ऑलरेडी कर रखा, तो रख दो आई की वैल्यू और डी की वैल्यू रखनी, बस आंसर आ जाएगा. आई की वैल्यू और डी की वैल्यू रखनी, आंसर आ जाएगा. समझ में आया. सो एक काम करिए ना आप लोग, आप लोग ना ये वाले क्वेश्चन मत करो, ये ऑसिलेशन वाले क्वेश्चन मत करो, इसमें आई और डी निकाल के रखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला तुम्हारा 42nd क्वेश्चन है ना, उसमें यही है, तुम डी निकालो और आई निकालो, फिर ई आई और डी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा. आई अपॉन एनजीटी फॉर्मूला होता है. ठीक है, ट्राई करें क्या. तो जस्ट ये अच्छा कॉपी कर लीजिए आप. ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे, स्टडी इन ऑसिलेशन चैप्टर. ठीक है, सो ये जो लास्ट के दो चार प्रॉब्लम है ना टाइम पीरियड वाले, थोड़ा सा अवॉइड करो, जब हम प्रॉपर का थोड़ा सा मतलब. हेलो, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास, ऐसा होता है. कॉपी कर लिया क्या, ये कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक 40 था ना. चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड, कैन आई स्क्रॉल इट. अच्छा मैं इसको बता देता हूँ, आप लोग अपने से ट्राई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई जेई वाले स्टूडेंट ट्राई करेंगे, मेडिकल वालों की जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसी ठीक है, जस्ट वेट, मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को. 42nd जेई वाले स्टूडेंट ट्राई करेंगे, है चल ही नहीं रहा बिल्कुल. जी वाले स्टूडेंट कैसे ट्राई करेंगे. ठीक है, मैं उनको समझा रहा हूँ. आई का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये यूज करना, टी इज इक्वल टू पाई आई अपॉन एम जी डी. आई निकाल लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, ये रॉड इस तरह से लोगे. ठीक है, ये डिस्क, ये छोटा सा मास इधर लोगे, स्मॉल एम, ये कैपिटल एम. ठीक है, और ये एंड पे रोटेट कर रहा है. ठीक है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन लोगे तो आई निकाल लेना. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास स्मॉल एम. तो रॉड का एंड पे रोटेट करता था तो कितना था, एम एल स्क्वायर अपॉन 3, आइडिया दे रहे हैं थोड़ा सा. और मास का क्या होगा, एम आर स्क्वायर, तो आर की जगह एल ले लेना, एम आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एम एल स्क्वायर, आई मिल जाएगा. अब डी कैसे मिलेगा, आई तो चलो रख देंगे, ये स्मॉल डी कैसे मिलेगा, आई तो हो जाएगा. डी के लिए आपको आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, ये ओरिजिन ले लेना, रॉड का मास ले लेना कैपिटल एम, ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एल बाय टू. और एक मास ये ले लेना स्मॉल एम, ये डिस्टेंस कितना होगा, एल. तो आप लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज कर लेना. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, सेंटर ऑफ मास क्या था, एम वन एक्स वन, एम वन यहाँ पे एक्स नहीं वाई लेना, एम वन वाई वन प्लस
एम टू वाई टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. तो एम वन क्या लोगे, मास ऑफ रॉड, उसका डिस्टेंस कितना है, ये एक्सिस ले रहे हैं इधर से, यहां से ले रहे हैं ओरिजिन, इसका डिस्टेंस कितना होगा एम बाय टू, और ये दूसरा मास एम, इसका डिस्टेंस कितना होगा, एल बाय टू होगा, सॉरी एल बाय टू, ठीक है, ये होगा एल, और दोनों का मास क्या होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. तो इस तरह से आपको सेंटर ऑफ मास भी मिल जाएगा, मतलब ठीक है दैट वन. तो ये तुम्हारा डी बन जाएगा और आई ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा तो टाइम पीरियड मिलेगा. जे वाले स्टूडेंट ट्राई करेंगे इसको, नीट वालों की जरूरत नहीं है, ठीक है. नीट में सिर्फ वो वाला आ सकता था जो मैंने डिस वाला किया था ना अभी, वो नीट में आ सकता है, ठीक है. बाकी इस टाइप के जो थोड़े से लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होंगे वो जेई के लिए जाएंगे, ठीक है. तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा निकालना, प्लस इसमें दोनों को ऐड करना, प्लस सेंटर ऑफ मास से डी निकालना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं समझ में आएगा ना किधर है, क्योंकि दो मास है ना. तो रॉड के मास को पॉइंट मास ले लेना, रॉड के मास को आप पॉइंट मास ले लेना, ये तो एक मास इधर हो गया, ठीक है, ये कैपिटल एम रॉड का मास, और ये स्मॉल एम नीचे, इसका एल बाय टू, इसका एल, तो एम वन वाई वन इससे मिल जाएगा डी के, यहाँ पे रखना पड़ेगा और गेट द आंसर, ठीक है. चलो ठीक है, एक काम करते हैं यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम लोग ना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन, और बाकी हाँ बाकी ये जेई वाले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इसको, मैं थोड़ा आपको काफी बता ही दिया इनफैक्ट, ठीक है. तो लेकिन हाँ बाकी जरूरत नहीं है उतना, ठीक है. So I will start a new chapter tomorrow, gravitation. Remember, don't be absent. I will start a new chapter. ठीक है. In the meantime, आपको आपको दो चार पांच दिन में ना next week तक आप लोग इसके problems करने की कोशिश करो, जो होगा मेरे से पूछना, ठीक है. Okay. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Hello. Gamer party in Japan. हेलो, साक्षी जो कारण से बोलता है, सर ने डीवाई पार्टी खोले अपूर्णी मुझे बोलती है, भव्य मध्ये जी मुला आता आहे अशा मुलांसाठी उद्या संध्याकाळी 4 वाजता आपली ऑनलाइन मीटिंग घेऊ, म्हणजेच करिअर गायडन्स वेबिनार म्हणतात त्याला, 10 वाजेच्या नंतर मुलांसाठी करिअरच्या दृष्टीने कुठले कुठले बेस्ट ऑप्शन